आज के टाइम पे आप इंटरनेट पे बिल्कुल भी हिडन नहीं रह सकते हैं, कोई ना कोई सोर्स आपको ट्रैक कर रहा होता है, क्योंकि जो आपका डेटा होता है जब आप ब्राउज करते हैं इंटरनेट पे, तो वो किसी एक कंपनी या एक हैकर दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल होता है और दोनों ही जानना चाहते हैं। तो दोस्तों काफी ज्यादा सर्च करने के बाद फाइनली आपके लिए टॉप 5 बेस्ट एनोनिमस ब्राउजर की वीडियो आ गई है, जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप बिल्कुल हिडन होके एक काम कर सकते हैं और कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। सो लेट्स गो। तो दोस्तों जो मैंने 5th नंबर पे वेब ब्राउजर रखा है वो बहुत ही पॉपुलर वेब ब्राउजर है विंडोज के लिए, और ये बिल्कुल क्रोमियम बेस्ड वेब ब्राउजर है। जो इंटरफेस आपको मिलता है क्रोम की तरह मिलता है, और आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे मैंने टोटल 5 ब्राउजर इंस्टॉल कर लिया है, और जो भी रिव्यू देने वाले हैं बिल्कुल जेन्युइन देने वाले हैं, और क्या बेनिफिट रहेगा। तो गाइस आपको बता दें, येंडेक्स जो ब्राउजर है काफी ज्यादा क्लीन और बहुत ही स्मूथ ब्राउजर है, लाइट वेट है, और आपकी जो भी स्पीड होगी ना बिल्कुल बहुत अच्छी होने वाली है। और कभी आप जैसे ब्राउजिंग स्पीड बहुत स्लो फेस कर रहे हो, तो इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि टर्बो मोड है, उसको ऑन कर दीजिए और आपकी जो ब्राउजिंग स्पीड है काफी बढ़ जाएगी। और आपको बता दें कि इस वेब ब्राउजर में DNS स्पूफिंग प्रोटेक्शन नाम का फीचर है, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है आप किसी फिशिंग वेब पेज या फ्रॉड वेब पेज पे ना जा पाए। आप सेटिंग पे क्लिक करके जैसे ही सिक्योरिटी सेक्शन में जाएंगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि कितने ज्यादा इसके फीचर्स हैं, जो कि आपको फिशिंग प्रोटेक्शन, फ्रॉड, बैंक कार्ड, ये सारे बेनिफिट्स आपको इस वेब ब्राउजर में मिलता है। ओवरऑल बात करें काफी क्लीन लुक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप भी ट्राई कर सकते हैं, रिव्यू दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर से। तो गाइस वही बात करते हैं कि 4th नंबर मैंने जो वेब ब्राउजर रखा है उसका नाम है आयरन ब्राउजर, और हमें नहीं लगता है ये काफी लोग को पता होगा इस ब्राउजर के बारे में, और सभी प्लेटफॉर्म के लिए आ जाता है, विंडोज, मैक और लिनक्स के लिए भी आता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल ब्राउजर है, आपको ट्राई करना चाहिए। बात करें इसके इंटरफेस के बारे में, तो ये भी एक क्रोमियम बेस्ड वेब ब्राउजर है और काफी अच्छे टूल्स मिल जाते हैं। मेन फोकस हमारा इस वक्त सिक्योरिटी और आपके डेटा के अकॉर्डिंग है, और उस टूल के हेल्प से जितने भी एड्स वगैरह को ब्लॉक कर दिया जाता है, वेब स्पाइस को, और ट्रैक कर जितने भी आते हैं वो सबको इसमें ब्लॉक कर देता है, बहुत ही सेफ आप अपने काम कर सकते हैं नेट पे, तो एक आपको हाई लेवल प्राइवेसी सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है। 3rd नंबर पे जो मैंने वेब ब्राउजर रखा है वो है कोमोडो ड्रैगन ब्राउजर, थोड़ा सा सिमिलर है टॉर ब्राउजर के अकॉर्डिंग, और नाम सुनकर तो ऐसा लगता है कोई हाई एंड पीसी गेम है, लेकिन गेम नहीं, ये एक ब्राउजर है और काफी ज्यादा एक यूजफुल और सिक्योर ब्राउजर है। सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तो इसमें काफी अच्छा फीचर्स दिया है कि आपके जितने भी एड्स हैं, वेब स्पाइस है, कुकीज है, सबको ये ब्लॉक कर देता है, जो कि आपके डेटा को ट्रैक कर सकता है। और बात करें ओवरऑल, एक फीचर जो कि हमको पसंद आया इस वेब ब्राउजर में वो ये है कि इसमें आप अगर कोई भी डोमेन को सर्च करते हैं तो इसमें एक डोमेन डिटेक्ट करने का एक फीचर है, जो कि आपके वीक SSL सर्टिफिकेट को सबसे पहले डिटेक्ट कर लेता है और आपको बताता है, जिससे कि आप पहले से ऑलरेडी सिक्योर हो सकते हैं उस वेबसाइट को विजिट करने के लिए। 2nd नंबर पे जो मैंने वेब ब्राउजर रखा है उसका नाम है एपिक ब्राउजर, और ये नाम से एपिक नहीं है, ये इसका काम भी एपिक है, क्योंकि जो इसका इंटरफेस है बहुत ही प्लीजेंट है और क्रोम के ही तरह सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। और अगर आपकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग इस ब्राउजर के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपका प्राइवेट मोड ऑलवेज ऑन पे लगा रहता है, साथ ही साथ इसको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता, जो भी डेटा आप इसमें ब्राउज करेंगे बिल्कुल सेफ रहने वाला है, और ये वेब ब्राउजर बाय डिफॉल्ट सारे एड और ट्रैकर और जितने भी वेब स्पाइस हैं सबको ब्लॉक करता है, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको आना है बस यूज करना है, बंद करके चला जाना है, आपका डेटा कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। और 1st नंबर पे जो मैंने ब्राउजर रखा है वो है टॉर ब्राउजर, और जितने भी अभी मैंने बताया है रिसेंटली वेब ब्राउजर, वो सबसे अच्छा और सेफ और सिक्योर और बिल्कुल हिडन रखने वाला ये वेब ब्राउजर है। नॉर्मली आप VPN का यूज करते हैं ताकि आपका लोकेशन चेंज हो जाए और आपको एकदम हिडन होके अपना काम करने के लिए, और ये जो वेब ब्राउजर है इसके लिए VPN की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली इसका लिंक भी मैंने दे दिया है, डाउनलोड करके आप खुद चेक कर सकते हैं। सिंपल से जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, और जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस होता है, उसके बाद आप इसमें कुछ भी ब्राउज कर सकते हैं। बात करें इसकी कंपैटिबिलिटी की, तो ये विंडोज, मैक, लिनक्स सभी में कंपैटिबल होता है, और इसमें प्रॉक्सी सेटअप करने का भी फीचर्स मिलता है जब आप इसको ओपन करते हैं, और अगर आप ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट की सेटिंग में इसको यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको वेब ट्रैकर और एड ब्लॉकिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन जो एक डिसएडवांटेज इसके साथ है वो ये है कि आपकी थोड़ी सी ब्राउजिंग स्पीड स्लो हो जाती है, जो कि आप नेग्लिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी और आपकी डेटा की सेफ्टी की बात हो रही है, तो आप इसको पहली प्रायोरिटी देंगे और ट्राई करिएगा, ये ब्राउजर काफी ज्यादा सेफ
सेफ और आप हिडन होके बिल्कुल आप इंटरनेट पे काम कर सकते हैं। तो ये था कुछ ब्राउजर जो कि आप यूज कर सकते हैं आप अपने आप को हिडन रखने के लिए, ताकि आप नेट पे जो भी ब्राउज करते हैं वो कोई ट्रैक ना कर सके। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।